सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा गेमर और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर से सोलो वर्सेस स्क्वाड का ये रैंकेड गेम प्ले। और अभी मैं लैंड गया हूँ लेजेंडरी प्लेस क्लॉक टावर में। देखो पहले के टाइम में क्या था कि पीक से सबसे ज़्यादा लेजेंडरी जो माना जाता है सेकेंड नंबर में वो है क्लॉक टावर, और अभी भी सेकेंड नंबर में ही है क्योंकि जितने भी लेजेंड्स हैं वो यार क्लॉक टावर में ही लैंड करते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर दो किल कर लिया हूँ और मुझे किल की ही तलाश है कि हम जहाँ जाएँ बस हम किल बटोरते रहें। और जस्ट अभी मैंने दो किल करा हूँ, एक बंदा और सामने दिखा, हेडशॉट मार के हमने किए उसको नॉक, एक किल और हमने कर लिए हैं। और भाई साहब बंदे काफ़ी सारे हैं, जैसे कि एक और बंदा इस घर के अंदर है, चलो उसको मारते हैं, हेडशॉट ही ट्राई करेंगे। देखो हम बिना हेडशॉट के कोई गेम प्ले ही नहीं करते। अब ना एक बार ऐसा करना है कि रिकॉर्ड बनाना है बिना हेडशॉट के बंदे मारने का, मतलब कि एक भी किल हेडशॉट से नहीं आना चाहिए। बट यार ऐसा होता ही नहीं है, हमारी फितरत में ही हेडशॉट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बंदे को और नॉक किया है और एक और बंदे को और नॉक किया, और काफ़ी सारे बंदे आते जा रहे हैं। तो भाई सोनिया चलो हेडशॉट तो मारा है, शायद से वो डाउन तो हो जाएगी लेकिन फिर से रिवाइव हो जाएगी। एक और बंदा आया, ओनली रेड नंबर, इसको भी क्या ही क्रिटिकल सिचुएशन। भाई साहब वो सोनिया फिर से रिवाइव हो गई है, फिर से मारना पड़ेगा उसको शायद से। चलो यहाँ पर बंदे को नॉक किया और यहाँ पर अब किल कंफर्म कर लेते हैं, और यदि हम किल कंफर्म नहीं करेंगे तो शायद से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बंदी कब रिवाइव हो जाए भाई किसी को नहीं पता, क्योंकि सेल्फ रिवाइवल है और बहुत सारे ऐसे हथकंडे हैं जो रिवाइव करने में मदद करते हैं। ऊपर में दो बंदे हैं, एक को हेडशॉट मारा। ओ एम जी भाई साहब क्या ही कि, मतलब कि मैंने एक बंदे को तो लगाया था हेड में लेकिन दूसरे बंदे को तुरंत में लगा के मार दिया। ये थोड़ा सा मुझे मतलब क्रिटिकल लगा, मतलब कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल जगह, नहीं तो ऐसे शॉट लगते नहीं, बहुत मुश्किल से ऐसे शॉट्स मिलते हैं। बट यहाँ पर चलो नॉक किल काफ़ी आराम से, एंड दूर में भी एक बंदा है उसको भी मारेंगे, क्योंकि ये जो दो बंदे थे ना वो उसी बंदे को मार रहे थे। सामने बंदा है, हेडशॉट मारेंगे। ओ भाई क्या डैमेज कर रहा है मुझे, बहुत ख़तरनाक उसने डैमेज किया, लेकिन मैंने भी उसको चलो यहाँ पर कर दिया नॉक। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा ना कस्टम एचडी थोड़ा सा नया देखने के लिए मिलेगा, मतलब तिनुक सा लेकिन है थोड़ा सा नया। देखो थोड़ा थोड़ा और तिनुक भी अपने जो कस्टमाइज करते हैं हम खुद के कस्टम में थोड़ा सा एफर्ट डालता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ठीक है। अभी तो मैंने इसको किया हूँ और थोड़ा फिर नॉर्मल सेटिंग कर लिया है। यहाँ पर मैं आपके लिए ना एक टिप्स एंड ट्रिक लेके आऊँगा कि आपको कस्टम एजिलिटी कैसे जमाना है एंड सेंसिटिविटी किस प्रकार की रखना है, जिसके कारण आप बहुत ही अच्छे तरीके से हेडशॉट मार पाओ। यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक किया, भाई मेरा 999 प्लस हो चुका है। पहले वाईफाई से कनेक्ट किया, अब हॉटस्पॉट से कनेक्ट करूँगा। चलो यहाँ पर नहीं हुआ रहा था, बार बार काफ़ी देर के बाद हुआ फ़ोन में रिस्टार्ट करने के बाद गेम को। चलो फिर भी यहाँ पर जैसा भी हुआ अच्छा ही हुआ, यहाँ पर हमारे 12 किल हो गए हैं और अभी काफ़ी सारे बंदे 13 बंदे अभी अलाइव हैं, और शायद से ये 13 बंदे काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहाँ पर यहाँ तक आए हैं, ठीक है। और एक बंदे को और हमने मारा, और गाड़ी से हेडशॉट तो नहीं लगा लेकिन यहाँ पर बंदे को नॉक ज़रूर कर दिए। एक और बंदा उसको भी मैंने नॉक किया। यहाँ पर ये भाई जो सेकेंडरी स्किल वाला है ना वो थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, और तीन बंदे को और मार दिए मैंने जस्ट यहाँ पर आने के बाद। सो मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे किल हो गए हैं, 15 किल और 11 बंदे अभी भी बचे हुए हैं। बंदे बहुत सारे हैं अभी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यदि आप अपने हिसाब से खेलोगे, थोड़ा सा सावधानी बरतोगे तो आप आसानी से बोया कर सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर अभी 12 बंदे बचे हुए, काफ़ी सारे बंदे भी मार चुका हूँ मैं अभी। ऐसा नहीं है कि 5-6 बंदे मारा है अभी तक, नहीं है भाई, 15 किल हमने कर लिए, एक बंदा और नॉक है और दूर दराज में एक बंदा और है जिसको हम अब मारेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है इसके साथ। वैसे मेरा तो ये कहना है कि भाई जो भी बंदा हो ऐसा भी हो चट 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 मार के पट पट चलो यहाँ से। एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं कि मैं
जोन में ना मर जाऊँ, क्योंकि यार दूसरा कोई बंदा और हमें मार दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बंदा सामने और मैंने उसको भाई उड़ाया, गाड़ी से डायरेक्ट मर गया एंड मेरी गाड़ी भी फूट गई। चलो बंदा को किल तो करी हमारी गाड़ी ने भाई, मैकलन की कार है 20 करोड़ की। ओ भाई चलो शायद से होगी यार, मतलब स्किन काफ़ी महंगी थी, वो 500 डायमंड का स्पिन था, मतलब कि स्पिन नहीं वो टॉप अप का, बट मैंने ना 190 का किया था जब एक काफ़ी पहले, जब 190 में 800 डायमंड मिल रहे थे ना तब। सो ऑटोमेटिक अपडेट के बाद जैसे मैंने तुरंत टॉप अप किया ना तो वो मुझे मिल गया था। सो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे कि फ्री में कभी तो कुछ नहीं देती घरे ना, लेकिन उस टाइम मुझे मिल गया था तो लक था, कभी कभी लक चल जाता है हमारा। यहाँ पर 20 किल और 3 बंदे बचे हुए हैं, मुझे कब तक उनका वेट करना पड़ेगा मुझे नहीं पता। एक बंदा ये हवेली के साइड है, काफ़ी देर से मुझे परेशान कर रहा था, मतलब कि दूर से ही मार रहा है एंड मैं भी उसका काफ़ी देर से वेट ही कर रहा हूँ। बट हम उससे बचेंगे नहीं, उसको सबक सिखाएंगे कि ये जो गलती तुम कर रहे हो थोड़ी गलत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गाइस अब उसने ना मेरे से पंगा ले लिया है, अब उसकी बारी है मरने की, तो चले फिर मारें उस बंदे को। चलो काफ़ी देर से हमने यहीं पे टाइम पास कर लिया, लेकिन अब उसको मरना ही होगा एंड शायद से यदि वो दो बंदे हो तो गेम जर्री में ख़त्म जाएगा, और यदि और भी बंदे अलग अलग हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। शायद से यहाँ पर एक ही बंदा है और शायद ये डुबो का एक बंदा है, ठीक है सो इसको मारना पड़ेगा। हेडशॉट मारे मारा, ओपी बोलते दूसरा, ओ भाई ये नॉक नहीं हुआ, नॉक क्यों नहीं हुआ भाई, मतलब कि अभी एक और बंदा बाकी है, उसको मारने में थोड़ा और टाइम लगेगा, रुको जरा सब्र करो। बंदा कहाँ जाएगा, जहाँ भी जाएगा हमें ही पाएगा, शायद से आगे होगा क्लॉक टावर की साइड से, क्योंकि इधर साइड से वो नहीं आ सकता, यदि इधर साइड से वो आता तो फाइट में ज़रूर इंटरफेयर करता, जो कि उसके लिए खतरे से खाली नहीं। लेकिन अभी क्या करना है कि उसको मारना है, तो रुक जाओ अब देखते हैं कि कहाँ पर बंदा, इधर क्लॉक टावर की साइड तो दिख नहीं रहा है अभी। चलो जहाँ नहीं हम वहाँ जाके मारेंगे, गोली भी चला देते हैं हम, फायर कर देते हैं, यदि कोई तगड़ा लेजेंडरी एंड अल्ट्रा लेजेंडरी बंदा होगा। सो ओ भाई साहब बंदा हमको दिख गया है, अब उसकी खैर नहीं, चलो इमोट शॉट मारेंगे। और ये मैंने दिया बाइक वाला कोबरा बाइक, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार था उस टाइम में भाई, हेडशॉट लगा उसको, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने किया ग्रेनेड एंड जंप किया, ग्रेनेड फूटा और बंदा का सर फूटा, बंदा हो चुका है ख़त्म, मेरा हो चुका है 22 किल। बुया 14 स्क्वाड उतरी थी, जिसमें से थारा भाई अकेला ने मारा सबको। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।